पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर रवि राणा और उसकी वाइफ मिसेस नवनीत कौर राणा के खिलाफ सेक्शन 153 कैपिटल ए 35, 37 और 135 ऑफ बॉम्बे पुलिस एक्ट के तहत रजिस्टर हो चुका है। उनको अरेस्ट फॉर्म भर के अरेस्ट कर लिया गया है। ऑफेंस जो है वो बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन मेरे क्लाइंट्स का बोलना यह है कि अरेस्ट जो है वो गैर कानूनी है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए कि दोनों जो है वो पब्लिक सर्वेंट्स है, एक महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है और एक एमपी है। आपको पहले स्पीकर की परमिशन लेनी चाहिए थी अरेस्ट करने से पहले, लेकिन परमिशन किसी किस्म के ली नहीं गई। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के कानून के तहत सेक्शन 41A की नोटिस जो है वो इंस्टीट्यूशन ऑफ केस की तारीख से 14 दिन के अंदर अंदर उनको देनी चाहिए। वो सेक्शन 41A की नोटिस उनको नहीं दी गई। 41A की नोटिस देने पर आरोपी का हक फर्ज बनता है कि वो पुलिस स्टेशन में आके इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करे। अगर वो कोऑपरेट नहीं करता है तो उसको आप अरेस्ट कर सकते हो। ऐसी कोई चार्ज उसके खिलाफ थी नहीं नॉन कोऑपरेशन की। एक दिन पहले उसको 149 की नोटिस दी गई थी रवि को और उसकी मिसेज को, और दोनों 149 की नोटिस को ऑनर करके घर के अंदर बंद होके बैठे थे, ना बाहर निकले थे ना कुछ किए थे। इसलिए अरेस्ट जो है बिल्कुल गैरकानूनी है, इलीगल है। मेरा इंस्ट्रक्शन मेरे क्लाइंट को है कि उसने भी एक कंप्लेंट दे चुका है पुलिस स्टेशन में उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने बाहर 500 से 700 आदमी जमा करके उसकी बिल्डिंग के नीचे बॉटल्स के ऊपर से लकड़ियों से लाठियों से मारने की कोशिश किए थे, बॉटलबाजी हुई थी। उसके ऊपर अगर पुलिस केस रजिस्टर करती है तो वो बेल एप्लीकेशन कंसिडर कर सकता है। जब तक पुलिस उस केस को रजिस्टर करके लोगों को अरेस्ट नहीं करती, वो बेल एप्लीकेशन अप्लाई करने से इनकार किया है। दूसरी बार उसने ये कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने मुझे जो अरेस्ट किया है, मेरी मिसेज को अरेस्ट किया है, अटक किया है, वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। काफ़ी वक्त दिया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को कि आप उस इलीगल अरेस्ट को वापस ले लो, वरना अगर ये मामला कोर्ट में गया तो फिर हम कोर्ट की कार्रवाई के थ्रू रिलीज ऑर्डर लेंगे। हम आपकी मेहरबानी के ऊपर नहीं जीने वाले। कानून जो बनता है, कानून का उल्लंघन जो भी करेगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, चाहे एक आदमी हो चाहे मंत्री हो या संतरी हो या आम आदमी हो, कानून हर एक के लिए लागू होता है। कानून हर एक के लिए एक ही है। वी विल गो टू कोर्ट, वी विल नॉक द डोर्स ऑफ द कोर्ट इफ दिस एफआईआर इज नॉट विदड्रॉन। मेडिकल हो चुका है, जो प्रोसीजर है दैट्स अ मैंडेटरी प्रोसीजर। सर ये लेकिन कल उनको बैंड्रा कोर्ट के लिए पुलिस किया जाएगा। इस कार्रवाई को किस प्रकार देखते हैं? नो देयर एब्सोल्युटली फाइन। सर सर इस कार्रवाई को कैसा देखते हो? उन्होंने उनका आंदोलन भी पीछे ले लिया था, उन्होंने ये गलत बात है। उन्होंने अपना आंदोलन सुबह दोपहर को 2:45 फोन करके पीछे ले लिया था। उन्होंने बाकायदा प्रेस के सामने उन्होंने इंटरव्यू दिया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब बॉम्बे आ रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे इस आंदोलन की वजह से उनको किसी किस्म की शर्मिंदगी हो, हम हमारा आंदोलन वापस ले रहे हैं। और आंदोलन वापस लेने के बावजूद 4:30 एफआईआर रजिस्टर करके इनको अटक किया गया, इसीलिए वो गैरकानूनी है। एक दो नहीं है, 500-700 है। देखिए पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस को अपना काम करने दो, हम हमारा काम करेंगे। मैं पुलिस के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि पुलिस की जिम्मेदारी थी 41A की नोटिस इश्यू करने की। उन्होंने 41A की नोटिस इश्यू नहीं की। जब मामला कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट बोलती है हर वो शख्स, चाहे वो ऑफिसर हो या नॉन ऑफिसर हो, कंटेम्प्ट का हकदार बनता है। हम कंटेम्प्ट की पिटीशन मांगकर सुप्रीम कोर्ट के बताए हुए कानून की बुनियाद पे हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। अगर बेल एप्लीकेशन एक मिनट, जब कौन बोला आपको नॉन अवेलेबल है? 3 साल द सेंटेंस इज पनिशेबल विथ आइदर 3 years और फाइन और बोथ। व्हेन इट सेज और फाइन और बोथ, दैट मींस मिनिमम सेंटेंस ऑफ 3 years इज नॉट प्रोवाइडेड, इट इज अ बेलेबल ऑफेंस। But if you say that you are committing that offence in a place of worship, then it becomes 5 years, it is non-bailable. The place where they were planning to read Hanuman Chalisa is not a place of worship. So therefore, there is no question of applying the second part. It is not punishable in 5 years, it is punishable only with 3 years or fine or both. Thank you, sir. Thank you very much.